प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 है, डेट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 हर एक चैप्टर्स के टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने उनकी वीडियो अपलोड कर दी है और उनका सॉल्यूशन भी है। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। इसी के तहत ये है चैप्टर नंबर 5 का टॉप 20 क्वेश्चन। इन सभी के सॉल्यूशन भी वीडियो में उपलब्ध हैं। यदि आप इनको करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और इस बार भी आएंगे ही आएंगे। तो आप इनको जरूर कीजिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए खुद ही, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको जरूर कीजिएगा। अभी हम कर रहे हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस एंड टॉप 20 क्वेश्चंस। यदि आप पूरे मैथमेटिक्स में ये सारे भी कर लेते हैं, टॉप 20 क्वेश्चन एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, तो यकीन मानिए आप 80 on 80 ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहता है, इंडिया इज अ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन्स। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेज इन फर्मली फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स एवरी ईयर। इट प्रोड्यूसेस 16,000 सेट्स इन सिक्स ईयर एंड 22,600 इन नाइन्थ ईयर। छठे और नौवें साल की प्रोडक्शन दी हुई है और आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा। तो ये सिंपल सी बात है, ये एक सिंपल सा एपी सीरीज बन रहा है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि A6 हमें दिया हुआ है 16,000, है ना, और A9 दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट इज 22,600। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कह रहा है, बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल का प्रोडक्शन निकालना है। इट मींस अगर कोई भी सीरीज बनती है, एपी सीरीज, तो हमें पहले साल का प्रोडक्शन निकालने के लिए कह रहा है। इट मींस ही वांट्स अस टू कैलकुलेट ए, ए निकलवाना चाह रहा है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसा कि उसने बताया हुआ है कि कौन से वर्ष की दी हुई है आपको प्रोडक्शन, सिक्स्थ ईयर। सिक्स ईयर में 16,000 है ना, तो सिक्स ईयर को आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट ए प्लस 5D, ए प्लस 5D। और ये कितना है प्रोडक्शन, इसका कितना था, इट वाज 16 ईयर्स, 16,000। कितना था, 16,000, यहाँ पे आप लिखेंगे 16,000। ठीक है जी। नाइन्थ ईयर का प्रोडक्शन कितना है, ए प्लस 8D एंड इट वॉज 22,600, 22,600। नाइन्थ ईयर का है 22,600, ये नौवे साल का प्रोडक्शन है ना। ये छठे साल का है तो यहाँ पे A6 की वैल्यू है, ये नौवे साल का है तो ये A9 की वैल्यू। अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए, सोल्व करने का बहुत ही सरल तरीका है। इसको हम यहाँ से नेगेटिव साइन करेंगे और सोल्व कर देंगे, ये तो कैंसिल हो गया। हेयर यू विल गेट -3D माइनस, जब इसको आप सोल्व करेंगे, 22,600 में से आपको कितना घटाना है, 16,000 घटाना है। ठीक है ना, तो आप क्या पाएंगे, 6 and 6 6600 पाएंगे, 6600। कितना पाएंगे, 6600, और वो भी क्या है, नेगेटिव, माइनस से माइनस कट जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6600 को आप किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से, एंड यू विल गेट 2s। तो डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2200। कितनी आ गई, 2200। नाउ ए की वैल्यू निकालनी है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, है ना, तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ए प्लस 5 × D की जगह क्या लिखेंगे, 2200 इज इक्वल्स टू 16,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 16,000 में से
माइनस, ये सारा मल्टीप्लाई होके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 × 2 = 10, पहले 2 जीरो लगा दीजिए, 5 × 2 = 10 एंड 11, तो 16,000 में से 11,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5,000। तो पहले वर्ष की प्रोडक्शन क्या है, 5,000। फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ जी, 5,000। नेक्स्ट अगला प्रश्न उठता है कि भाई फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर, 8वें साल की प्रोडक्शन निकालनी है आपको, तो 8वें साल की प्रोडक्शन निकालनी है तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट ए, ए तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस में 7D, और ए क्या है, ए इज 5,000 प्लस 7 × D क्या भाई, 2,200 अभी हमने निकाला है, तो ये 5,000 प्लस ये 5 एंड 00 पीछे लगा दीजिए, और 15,400 में आप कितना जोड़ दीजिए, 5,000, कितना आ जाएगा, तो आपका आएगा 004, और ये 0 और ये 20,400, कितना आ गया जी, 20,400। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। नाउ व्हाट इज आस्किंग, वो पूछ रहा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में निकालना है तो यहीं पे आपको बता देता हूँ, ये आप कर लीजिएगा, ए प्लस में 2D करके आप निकाल लीजिएगा, यू नो द वैल्यू ऑफ ए, यू नो द वैल्यू ऑफ बी, इन विच ईयर द प्रोडक्शन वॉज 29,200, कौन से साल में प्रोडक्शन 29,200 हुआ है ना, तो ये बहुत आसान है, 29,000, 29,200 प्रोडक्शन वो पूछ रहा है कौन से साल में, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 × D, व्हाट इज ए, 5,000, एंड वी हैव टू फाइंड कौन से वर्ष में हुआ और डी क्या हुआ है, ये आपका 2,200 आ रहा था, ऐसा ही आ रहा था 29,200, ये 5,000 है, इसको इधर ला के सबसे पहले क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 × 22,200 इज इक्वल्स टू 29,200 में से आप कितना माइनस कर देंगे, यू विल सब्ट्रैक्ट 5,000, 5,000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 242, क्या आ जाएगा, 242,000, और ये नीचे 2,200 है ना, तो इसको अगले स्टेप में ले जाके आप क्या कर देंगे, डिवाइड, देखिए कभी भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कीजिए इनको क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो 22 ones, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, 2 से कम 22, 11 आ गया, एन माइनस 1 = 11, और ये माइनस 1 इधर ले आएंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू 12, मीन्स 12वें साल में जो प्रोडक्शन होगी वो 29,200 होगी। नाउ द नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द प्रोडक्शन, ये फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन 7th ईयर और 4th ईयर में, तो इस तरीके से आपको निकालना है, 7th और 4th ईयर निकालना है, तो आपके पास दो तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, डिफरेंस ए 7 माइनस ए 4 कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, ए 7 क्या है, ए प्लस में 6D, माइनस ए 4 क्या था आपका, ए प्लस में 3D आएगा, या ए 7th निकाल लीजिए और ए 4 निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा उसको माइनस कर दीजिएगा, या दिस वन इज रियली वेरी इजी, ए 6D आ जाएगा माइनस ए माइनस में 3D, माइनस से माइनस कैंसिल, यू विल गेट 6 − 3D 3D, जस्ट पुट द वैल्यू एंड डी से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना था 2,200, तो कितना आ जाएगा, 6,600 प्रोडक्शन का डिफरेंस आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही सरल सवाल है, मतलब इस प्रकार के सवाल को देख के आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल कूल एंड काम रह के इसको करना है ना, वैल्यूज जैसे जो सिंपल एपी होता है उसमें वैल्यूज दी होती है, इस वाले एपी में क्या है, वैल्यू नहीं दी हुई है कुछ, इसमें जो डेली लाइफ में यूज होता है उस प्रकार से प्रश्न पूछा हुआ है, तो आराम से इसको आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों आप लोगों से एक विनती है, नेवर वेस्ट योर टाइम, आप अपना समय कभी भी बर्बाद ना करें, आप केवल उन्हीं चैनल्स को देखें, और चैनल्स को भी क्यों देखें, जब आपको दिक्कत आती है तभी देखें। आगे बात समझ में, टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।